अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। वेलकम टू मैगजीन। वैसे तो काफ़ी मूवीज़ बनती हैं और कुछ मूवीज़ लोगों को बहुत पसंद आती हैं, लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती हैं जो लोगों को इतनी पसंद आती हैं कि वो लोगों को काफ़ी लंबे अरसे तक याद रहती हैं। इस वीडियो में आपको 5 मोस्ट सक्सेसफुल मूवीज़ के बारे में बताएंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नंबर 5, मदर इंडिया। छुप कर क्यों? मुझे तुमसे डर तो नहीं, मगर डर सा कुछ लगता है। मेरे सर पे सींग है जो डर लगता है। नहीं तो ये मूवी 1957 में आई। इस मूवी में देहाती जिंदगी और इससे जुड़ी स्ट्रगल दिखाई जाती है। इस मूवी में दिखाया जाता है कि एक माँ अपनी औलाद को पालने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करती है और ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ती और कभी भी अपने असूलों के खिलाफ नहीं जाती। उस टाइम पे इस स्टोरी से लोग काफ़ी रिलेट कर पाए थे, इसी वजह से ये मूवी बहुत सक्सेसफुल रही। इस मूवी की IMDB रेटिंग 7.8 है। नंबर 4, मुगरी। ये तेरी बेखौफ मोहब्बत, ये रक्स, ये दिलचस्प अंदाज़े बयान यकीनन हमारे इनाम के मुस्तहक। सही नसीब, जिल्ले इलाही की फराख दिली से कनीस को यही उम्मीद थी। ये मूवी 1960 में रिलीज हुई। ओवरऑल ये मूवी एक ब्लैक एंड वाइट मूवी थी। ये मूवी मुगल बादशाह अकबर के बेटे शहजादा सलीम की लाइफ स्टोरी है, जिनको एक तवाइफ से प्यार हो जाता है। इस मूवी में लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार ने शहजादा सलीम के रोल में बहुत बेहतरीन एक्टिंग के जोर दिखाए और ये मूवी सक्सेसफुल होने के साथ सुपर हिट साबित हुई और इंडियन सिनेमा की हाइएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन गई। नंबर 3, हम आपके हैं कौन। Excuse me, ये रामनारायण धर्मशाला है ना? बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा, गिनती भुला ली। कहाँ थी मैं? 74। ये मूवी 1994 में आई, एक फैमिली ड्रामा मूवी है और इस मूवी में इंडियन शादी की तकरीबात और रवायात को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इस मूवी के लीड रोल में सलमान और मधुरी थे और ये मूवी ब्लॉकबस्टर बनी और बहुत सक्सेसफुल रही। इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी फेमस हुए। नंबर 2, शोले। वो दो थे और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए। खाली हाँ, क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? ये मूवी 1975 में आई। इस मूवी ने इंडियन सिनेमा की नई तारीख कायम कर दी। इस मूवी के लीड रोल में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन थे। इस मूवी ने आने वाली मूवीज़ के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया था। इस स्टोरी में एक्शन और विलन सब बहुत बेहतरीन थे। ये मूवी इंडिया की हाईएस्ट ग्रोसर और कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल रही। नंबर 1, बाहुबली द कंक्लूजन। जानते भी हो क्या हुआ था? क्या हुआ था देवसेना? शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया, अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। ये मूवी 2015 में आई, बाहुबली का सेकंड पार्ट थी। ये मूवी बाहुबली के पार्ट 1 के 2 साल बाद यानी 2017 में लॉन्च हुई। लोगों ने पार्ट 1 देखने के बाद सेकंड पार्ट के लिए काफ़ी लंबा इंतज़ार किया और इसी वजह से इस मूवी की बहुत ज़्यादा हाइप बन गई। और जब ये मूवी लॉन्च हुई तो ये ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में बहुत हिट हुई और इंडिया की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मूवी बन गई। ऐसी और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।